गुरु के प्रति शरणागति मात्रा के अनुसार माप सकते हैं हम भक्ति में कितना दूर है, वह पता चलता है शरणागति कितना है। और वो शरणागति है गुरु के प्रति, जितना गुरु के प्रति, गुरु के प्रति नहीं है, कृष्ण के प्रति यूजलेस है। लेकिन कृष्ण गुरु के प्रति है तो कृष्ण के प्रति तो है, गुरु के क्योंकि कृष्ण का प्रतिनिधि है। इसीलिए हमने देखा इस्कॉन में मंगल आरती में संसार दबानल गुरु महिमा होते हैं और फिर भी गुरु पूजा होते हैं। इसीलिए गुरु महिमा हमेशा ही करना चाहिए, दिन में कम से कम दो बार तो इस्कॉन में होते हैं। तो इसी हमें क्योंकि प्रभुपाद केंद्रित करके इसलिए प्रभुपाद का महिमा होते हैं, इसीलिए गुरु का महिमा भी होना चाहिए। तो इस्कॉन एक एक प्रभुपाद के केंद्र करके संस्था होने के कारण कुछ नियम के कारण हमें गुरु का महिमा का अनुष्ठान हमेशा नहीं कर सकते दीक्षा गुरु का, लेकिन हृदय में हमेशा ही गुरु का, गुरु को कृष्ण का प्रतिनिधि रूप कर हमेशा ध्यान करना चाहिए। हमें वो उपलब्धि जितना प्रबल होगा भक्ति में उतना अग्रगति लाभ करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं गुरुदेव जब आते हैं वो अहेतु की कृपा है, जब चले जाते हैं वो भी अहेतु की कृपा है। इसके माध्यम अहेतु की कृपा क्यों चले जाना, क्योंकि गुरुदेव भगवान के प्रति आसक्ति विरह में ज्यादा प्रबल होते हैं। तो ये विरह के माध्यम गुरुदेव अप्रकट के माध्यम विरह के माध्यम उनके प्रति आसक्ति और ज्यादा बढ़ने का मौका दिया है। तो हमें गुरु को और कितना नजदीक में दर्शन कर सकते हैं, ये शिक्षा है। ये प्रसंग में गुरु महाराज एक, एक, एक आर्टिकल में लिखा है। तो मायापुर में गुरु पूजा के सामान प्रभुपाद को देख रहा है, तो उन्होंने गुरु महाराज का मैं सोचा अभी तो हमारे पास प्रभुपाद है नहीं, प्रभुपाद हमको कितना जब था कितना हमको गाइड करते थे, अभी प्रभुपाद नहीं है, क्या मैं कैसे गुरु ये जो मूर्ति रूप है प्रभुपाद मेरा सामने में है मैं कैसे उपलब्धि कर सकते। तब गुरु महाराज ने लिखा तो यदि गुरु महाराज मेरा सामने में है मूर्ति तो मुझको करना क्या है, तो है कि नहीं है वो तो यदि है तो करना क्या है, उनका महिमा कीर्तन करना है। इसीलिए जब गुरुदेव हमारे पास है कि नहीं है तो काम तो एक ही है, कौन सा, उनका महिमा कीर्तन करना। तो गुरु महाराज का तब मैं उसे माइक लेकर तुरंत जय श्री प्रभुपाद करके मैं प्रभुपाद का कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो हमें गुरु वैष्णव का विरह कब अनुभव करेंगे, जब उनका जब जिस तरह एक बच्चा माँ का अनुभव माँ का विरह कब अनुभव करा किसी पता चलता है, जब मामा करके चिल्लाती है। तो इसी तरह गुरुदेव का जब विरह कब अनुभव कर सकते इसको अर्थात उनका महिमा कीर्तन कर रहा है। इसीलिए गुरुदेव का महिमा कीर्तन करना बहुत जरूरी है। तो ये जो आयोजन किया है और एक कारण है हमें हमारे आंखों से बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं, दूसरा भक्त ने उनको देखा है। जिस तरह गुरु महाराज बैठे हैं हर व्यक्ति की एंगल अलग अलग है, अलग अलग एंगल से देख रहा है। तो इसी तरह सबका दृष्टि गुरु के भगवान के समझने का अलग अलग दृष्टि है। तो इसीलिए दूसरा भक्त को जब मुख में सुनेंगे तब हमारी दृष्टि और निर्मल हो जाएगा, गुरुदेव किया है हमारे जीवन में किया है। इसीलिए जितना श्रवण करेंगे गुरुदेव महिमा उतना ही कल्याण हो। तो ये एक आयोजन किया आप लोग गुरुदेव का महिमा कीर्तन करने का। मैं तो कहूँगा जब मौका मिलेगा इस तरह अनुष्ठान होना चाहिए,
और सबको श्रवण करना चाहिए। हमें धीरे 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 जितना गुरुदेव को भी आसक्ति बढ़ाएंगे भक्ति में उतना गुरुगति लाभ करेंगे। खास करके गुरु महाराज हमको व्यक्तिगत रूप में जितना एसोसिएशन दिया है हम बहुत भाग्यशाली है। और हमारे यहाँ पर इस तरह महिमा कीर्तन का एक मौका भी है, हर जगह में इस तरह मौका नहीं है, तो हम वो मामला में भी हम बहुत भाग्यशाली है, इसीलिए इस तरह महिमा श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है। मैं ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। उसी टाइम हम समर कैंप भी कर सकते। ओके नेक्स्ट। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु शांति नाम स्निग्धा चित सुप्रणिता भागिनम चरसाविताम प्रभुपाद गत प्राण भक्ति चारु पदम। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत शांति नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणी वंशाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधुवेव च प्रतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। मुझे याद है कि जब हम मायापुर में रहते थे तो भक्ति पे महाराज तब मैं उन्होंने तो डॉक्टर है गेट में बैठते थे और मैं सुलभ भजनालय में सेवा करते थे, आप लोग जानते समाधि मंदिर का पीछे, तो वहाँ में काफी क्राउड होते थे। उसी समय 4-5 हजार लोग हर दिन होते थे, 3 हजार तो कंपलसरी था। तो भक्ति पे महाराज ठीक 1 बजे 12:30 बजे पहुंच जाते थे। उन्होंने डॉक्टर है लेकिन उनको ठीक है थोड़ा तो गुरु महाराज गुना कीर्तन उनके बेटा का गुना कीर्तन करने से ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। सो उन्होंने तो नया भक्त ट्रेनिंग ली लेकिन उनके ज्यादा सेवा नहीं करना पड़े, लेकिन उन्होंने अनेक उदार थे। तो क्राउड में हम देखते थे कि बच्चे की तरफ डॉक्टर भी है MBBS, फिर भी हमारा जितना बच्चे कर्म सर्विस करते उनके साथ नाव में छोटा छोटा नाव का है उसमें सर्विस करते थे, कोई नहीं बोल सकते कि उन्हें डॉक्टर है। उन्हें काफी सेवा करते थे, हम ऑर्डर करते थे इधर में चले इधर में चले इधर में चले, उन्होंने काफी सेवा की है, ज्यादा दिन नहीं, उसके बाद ही उन्होंने कोलकाता में आए। फिर भी उन्होंने कोलकाता में जब हम उन्होंने थे तो रथ यात्रा का उनका जहाँ सारा जिम्मेदारी मुझे ही दिया था, उनका जितना जितना जिम्मेदारी था प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना और शो की प्रोसेशन में जो पिक्चर ये स्टैचू क्या बोलते उसको पैरेट डायरामा पैरेट, उन्होंने बोला कि हम तो इंचार्ज है लेकिन आपका जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कृपा करके हमको बहुत सेवा में मौका दिया है, तो मैं वहाँ भी खूब सेवा करी महाराज का आशीर्वाद से। जो तो आज ये गुरु महाराज का गुण कीर्तन करने का जो दिन है तो मुझे याद है जब मैं 91 में आखिरी में ज्वाइन किया है मायापुर इस्कॉन में, उसके पहले मैं कोलकाता में 1 महीने रही, उसके जब मायापुर में रहे तो उसके बाद काफी सन्यासी तो पंचतत्व मंदिर नहीं हुई और कई लॉन्ग बिल्डिंग लोटस बिल्डिंग कौच बिल्डिंग और मायापुर में कोई बिल्डिंग नहीं था और BBT था,
बाकी और कोई सारा जमी जगह था। तो उस समय मायापुर में गुरु का बहुत क्या बोले समस्या नहीं, चुनाव में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो मुश्किल है, तो फिर भी मैंने सभी गुरु महाराज से मिले और सुबह सुबह गुरु महाराज का जप क्लास होते थे। कोई बोलता है इधर में लॉन्ग बिल्डिंग में उठो, कांच बिल्डिंग में उठो, कोई बोलता है लोटस बिल्डिंग में उठो तो हम कभी कभी लोटस बिल्डिंग में जाते थे और कभी कभी कांच बिल्डिंग में जाते थे। तब मैं सुलभ भोजन सेवा करते थे तो मुझे सभी के साथ रिलेशन है, क्योंकि वहां में खाना सभी को खाने के लिए जाना पड़ता था, गेट कीपर मैं था, तो बहुत स्ट्रिक्ट है। किसी को भी हम घुसने में विदाउट टिकट में घुसने नहीं देते थे, तो फिर भी इसलिए सभी से हमारा रिलेशन है। फिर भी हम उधर उधर जाते थे, विशेषकर जब गुरु महाराज के सुबह हम उन्होंने हर रोज सभी के साथ बैठ करके उज्जवल वर्ण गौर वर्ण बहुत सुंदर प्यार से गाते थे, तो सभी लोग पीछे पीछे गाए। रोज उन्होंने ठीक टाइम के अनुसार जब जप क्लास होते थे तो साधारणतः तो मेरा सर्विस थोड़ा हाई था, तो मैं थोड़ा नींद हो जाते थे। हम उनके पास में भी बैठते थे दो आदमी के पास, फिर कभी कभी हम सो जाते थे, फिर भी गुरु महाराज खड़ा भी कर देते थे, वे उनके सहन नहीं होते थे, फिर एक मिनट के बाद बैठ जाओ। तो मुझे याद है तो उन्होंने उनका बहुत प्यार है कि कभी कभी हम सोचते थे कि शायद भूल गया है, लेकिन बिना तो दीक्षा नहीं हुई तो मैं चुनाव में थोड़ा गड़बड़ी हो रही थी, तो मेरा गुरु कौन हो सकता है। तो मैं एक भक्त को पूछे कि गुरु कैसे हम पहचान सकते, पर देखो गुरु महाराज के इसी प्रकार बॉडीली कभी रिलेशन से चुनाव नहीं करना चाहिए। तो एक काम करो, आप गेट में जाओ, गुरु निताई है, उनको आप प्रार्थना करो, देखो आपको हृदय में जल्दी आपको कंक्लूजन में आ जाओगे। तो मेरी इच्छा था कि जल्दी हमारा दीक्षा भी हो जाए, लेकिन कॉन्फ्यूजन है कि ये दो बिल्डिंग का कॉन्ट्रास्ट है सो फिर भी हम गौर निताय को बोले। तो ठीक दो दिन पहले एक भक्त, तो उनकी इच्छा है कि ये बोला, हाथ उठाकर बोले, हे प्रभु गौर निताय, हमारा जल्दी अमेरिका चला जाएंगे तो हम आपको बड़ा एक गिफ्ट देंगे। तो मैंने देखा ये भगवान के पास क्या बोले, ठीक तीन मास बाद ही वो विदेश चला गया। तो मैंने सोचा तो मैंने देखा कि ये तो गौर निताय साक्षात है, कुछ बोल सकते हैं, तो मतलब ये टारगेट नहीं था, मेरा ये टारगेट नहीं था कि हम अमेरिका में जाएंगे। तो मेरा इच्छा कि मुझे गुरु मिल जाएगा तो अच्छे है, क्या हम किसी का चरण में अपराध नहीं करना चाहते। तो गौर निताय के कहने से प्रार्थना करे से हम जल्दी आपने गुरु को हम प्राप्ति किया है। जीवन में लक्ष्य था कि हम ऐसा एक गुरु मिले जिससे हम अपने हृदय से संपर्क बना सके। तो उसके बाद हम एक साल के बाद 2093 में हमारा दीक्षा हो गया था। उसमें समय जब हम लोगों का दीक्षा हुआ था तो शायद सब बड़े बड़े भक्त है अभी भी है इस्कॉन में, उसी टाइम का कमलापूर्ति प्रभु है, बामन देव प्रभु बॉम्बे रहते है, और सानंद प्रभु है, गोवर्धन प्रभु है, इसी प्रकार हम लोग एक साथ में उस समय जितना डिवोटी उज्जैन में एकदम एकदम ग्रेट पर्सनालिटी सब, मैं एकदम मूर्ख है कि ये सभी लोग कोई एमए एमटेक कोई बड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी हम छोटा है। तब हमारा कितना 17.5 उम्र होगा, 18 लगभग, लेकिन मैं सबसे छोटा है, लेकिन सभी बड़ा बड़ा भक्त दीक्षा लेने वाला है। तो हम एक साइड में बैठे, गुरु महाराज का कृपा हवा की नहीं, हाँ जवाब दे नहीं पाएंगे। तो सभी लोग बैठे हैं कॉच बिल्डिंग में, लेकिन मैंने जब गए तो गुरु महाराज को एक्सेप्ट किया, तब मुझे हृदय में बहुत प्रसन्न हुई कि हम रो भी दी और गुरु महाराज ग्रहण किया है। उसके बाद एक दो दिन के अंदर में राधा माधव के मंदिर में नृसिंह देव के सामने दीक्षा हुई। तो पहली बार हम भिक्षा करने के लिए जाएंगे, एक गुरु भाई ने कहा देखो ये दीक्षा लिया हो तो जो शत्रु है उसके बाद पहले भी मग्न कर जाएंगे कि हमारा अहंकार है कि नहीं।
तो आप कितना रुपया दे रहे हो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका साथ जिसके साथ आप झगड़ा किया है उसके पास पहले जाओगे तो आपका असली गुरु दक्षिणा होगा। तो हम लोग 1 लाख ऐसे जा सकते हैं, एक हमारे राधा गोविंद प्रभु गरीब भक्त हैं, आप लोग जानते हैं उज्जैन में रहते थे पहले, तो हम दोनों घूमते, हमारे पास कोई भिक्षा नहीं थी। भिक्षा हमने पूरा, तब तो बड़ा क्वालिटी नहीं था हमारा, कांच में विदेशी भक्त जहाँ रहते वो समाधि के पीछे थोड़ा एक कुछ विदेशी भक्त रहते थे, तो हम लोग कुछ विदेशी भक्त हमारा फ्रेंड्स था उन्हें घर में गए। आखिरी में ठीक 3-4 बजे साथ गुरु महाराज के रूप में आए, गुरु महाराज के दिए, गुरु महाराज को मुझके हाथ से और प्रसन्नता से स्नेह से प्यार दी, तो जिसमें हमारा हृदय शांत हुई प्रसन्न हो गया। उसके बाद हम मायापुर में शायद गुरु महाराज जब भी आते थे, गुरु महाराज उस समय बहुत कम आते थे, ज्यादा सब विदेश में रहते थे, और गुरु महाराज जब उन्होंने अवचरण बनाया तब हम लोग, मैं सुलभ भोजनालय 8 साल रही, लेकिन मुझे पता है गुरु महाराज के साथ रहने से हम जितना अनुभूति हमने की उससे, जब हम प्राय नवद्वीप के आसपास हम मंदिर में जाते थे जहाँ में बहुत साधु है, कोई 110 साल, कोई 99 साल, कोई 100 साल जीते थे, जहाँ गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के सिपाड़ है, वहां में प्राय जाते थे, और जितना गौड़िया माड़े हम जाते थे, जब हम जाकर के प्रणाम करते थे तो जब भी बोलते कि आप किसका शिष्य हो, तो बोलते मैं, हम जब बोलते कि हम भक्तिचार महाराज, तो प्यार का जैसा है कि डिग्री होता है ना, हमारा डिग्री 100% हो जाते, तो हमको बुलाते हैं, बैठाते हैं और कुछ देने के लिए सोचते थे, और इतना तारीफ करते थे, जहां गुरु महाराज के पास रहने की हम इतना अनुभूति नहीं की, जो हम गौड़िया मठ से गुरु महाराज के इतना प्यार करते थे, क्या नवद्वीप में जाओ कि हमारा नदी के ऊपर गोद्रम द्वीप में जाओ, वहां गौड़िया मठ, हम थोड़ा बाग बाजार का गौड़िया मठ हम पढ़ते थे काफी किताब, जो भी हम कोई अच्छे किताब मिलते थे हम खरीद कर लेते थे, लेकिन मुझे काफी महाराज से भी संपर्क गौड़िया मठ में, तो ये लोग इतना तारीफ करते थे, बोले कोई वैष्णव हो। एक बार मैंने सिद्धार महाराज, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य है, तो उनको पिक्चर है, मैंने इस बार भानु महाराज के पिक्चर से देखे, भानु महाराज है, गुरु महाराज जयपति का महाराज, वो लोग प्राय मिलते थे, तो पूरी महाराज जब उम्र हो गया है तो उनको हम देखने के लिए जाते थे, तो जब हम गुरु महाराज के नाम कहते थे, उन्होंने हमको आशीर्वाद देते थे, आप भाग्यवान, आपका जो धैर्य आ गया कि ऐसा गुरु मिलना अत्यंत कठिन, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य पूरी महाराज, हम उससे 2 बार मिले, आखिर में जब उनका शेष अंतक्रिया है तब मैं जगन्नाथपुरी में जाकर उससे मिले। उसके साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर काफी शिष्य है जो गुरु महाराज को बहुत उनके, विशेष करके उनके दिल, उनके व्यवहार, किसी को पास एक बार जैसे कि मैग्नेटिक्स रिलेशनशिप, गुरु महाराज जिससे एक बार कनेक्टेड हो गया है तो वो कभी उससे हृदय से नहीं दूर हो पाते थे, गुरु महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन होते थे। कभी का साल में एक बार मायापुर में ठीक फरवरी मास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्मदिन पालन किया जाते है, तो गौड़िया मठ और इसको मिलकर के उत्सव बनाए जाते, उसमें से एक शोभा यात्रा होते थे, तो कुछ गौड़िया लोग उसके तारीफ में ग्लोरिफिकेशन देते थे, और इस्कॉन में जनरली जयपति का महाराज और हमारे गुरु महाराज दो जन जाते थे, लेकिन सभी लोग इंतजार करते थे कब भक्तिजय महाराज स्टेज में उठे, उनके लिए इंतजार, सभी लोग बैठ करके देखते थे गुरु महाराज सिंपल बांग्ला में उनको खूब मर्यादा और विनम्रता से उन्होंने जब तारीफ दोनों के बीच में बात करते थे, तो हम देखा कि सारी गौड़िया और इस्कॉन सभी लोग कीप क्वाइट, बहुत ध्यान से सुन करके आखिरी में सब लोग साधु साधु बोल करके उनके जय धन्नी भी देते थे। उसमें से हमको ये समझ में आए गुरु महाराज इस संसार में आए हैं विशेष उद्देश्य साधन करने के लिए, और उनको काफी योगदान भी है इस काम में। हमको पता है जब 98 में
हरिकेश महाराज उन्होंने पतन हो चुके हैं, तो हम थोड़ा मैनेजमेंट तो आना का उस समय थोड़ा हम मैनेजमेंट में कुछ काम करते थे, सुलभ भजन अल्प काम कर सॉरी तब हम ब्रह्मचारी किचन के थोड़ा जिम्मेदारी में था। तो हरिकेश महाराज जो जैसे लग रहा है कि इसकन शायद खत्म होने वाला है, ध्वंस हो जाए, लेकिन हमने देखा गुरु महाराज इसकन को एक साथ में रखने के लिए जो कुछ करना पड़े उन्होंने किया था, सभी के पास जाते थे। जो हरिकेश महाराज तमाल कृष्ण मां रहते थे उन्होंने भी हर घर में, जब भी उज्जैन में मसरे मायापुर में गुरु मां आते थे, कोई उनके घर में आया है ना आए, लेकिन गुरु मां हर घर में जाकर के मिलते थे, सभी लोगों को घर में बुलाते थे। ठीक जब जीवीसी मीटिंग होते थे तो मैंने देखा कि सभी लोग का एक चंद्रमा का समान नहीं, गुरु महाराज जब प्रेजेंट हो जाते थे सभी लोग समझते एक शांति का माहौल बन गया। तो उस समय सारी जीवीसी मंडली को एक करने के लिए गुरु महाराज का बहुत बड़ा अभियान था। तो हमने सच 98, 99, 2000 तक देखा, तो गुरु महाराज का विशेष योगदान इसको उनको एक इकट्ठा करने के लिए। तब से गुरु महाराज ने प्रभुपाद के लिए थोड़ा कुछ सेमिनार क्रिएट की, कुछ लोग इस्कॉन से चला गए जिसे जिसके नाम हम नहीं बताएंगे, और उसके बाद हमारा कोलकाता में भी कुछ समस्या हुई, सभी को जगह में खूब ननान एक इस्कॉन का भी समस्या था। तो गुरु महाराज का विशेष योगदान है, हम सुने हैं और उनके घर में जाकर के देखते थे, उन टेंशन भी थे लेकिन इतनी उतनी सहज में उन्होंने इसको उनको पकड़ के रखा है। तो मेरा ये रियलाइजेशन ये है, गुरु महाराज को भी आपने शिष्य के प्रति ज्यादा महत्व तो नहीं दिया, लेकिन आपने सोसाइटी के ऊपर अपने गुरु के वचन को ज्यादा महत्व दिए, और हम लोगों को ज्यादा उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए है, बोलते है कि इसको छोड़कर मत जाना, लेकिन ईश्वर को नियम को त्याग करने के लिए को भी गुरु महाराज ने बार बार उन्होंने इस्कॉन का रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर ज्यादा जोर देते थे। किसी के कोई हम लोग इतना समस्या मायापुर में रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ दलादली गुरु महाराज को भी नहीं किया, गुरु महाराज के विशेष योगदान है। और मुझे याद है और एक बार मेरा माला खो गया है, जब माला प्राय 12 साल के बाद माला ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई लेके गया है पता नहीं, दो दिन से नींद नहीं आ रही, और हमारा वाणीनाथ प्रभु विष्णुजन प्रभु और उसके पास कुछ सीनियर भक्त भी थे, बोले आप तो गुरु महाराज के पास जा नहीं सकते हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बताए 2007 में हुआ, तो गुरु महाराज के पास कोई नहीं जाते, काफी लोगों को उन्होंने वापस दे दिया, बोले कि माला लेकर के प्रभुपाद को दिखा ले, मेरे पास आने का जरूरत नहीं। तो मैंने कहा ठीक है आप लोगों को नहीं मिले तो मैं थोड़ा मुलाकात करने के जाऊंगा, तो मुझे तो अपरमान दे दो। तो गुरु महाराज से हम मिले तो तब पहुंच मिलने में थोड़ा हम अपने मन का बात कुछ बताए, आखिरी में कहा कि मेरा माला खो गया है। गुरु महाराज यू हंस रहे। तो बोले ठीक है तुम्हारा माला दे जाओ। तो मैंने सोचा काफी समय लगेगा, एक दो घंटे के अंदर में गुरु महाराज मुझे बुला करके माला दे दी। तो गुरु महाराज के साथ उस समय काफी लंदन का भक्त आते थे, यूके का भक्त के लेकर गुरु महाराज नवद्वीप का टूर बनाते थे, तो उसी में हम काफी योगदान की, उसी से काफी भक्त के लिए जगन्नाथपुरी मायापुर, इसी प्रकार हमने देखा गुरु महाराज के प्रति लोग उनके रिस्पेक्ट को हम कभी आज तक नहीं देखे, ये छोटे हो पता नहीं हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो हम खुश है कि निर्माण सर अगर कोई शब्द होते हैं तो हम लोग सारे जीवीसी से मिले काफी, तब तो सब यंग सब जहां से इधर 28 साल पहले हम तब देखते थे कि राधा माधव नरसिंहदेव राधा माधव के सामने सब जीवी से इकट्ठा होते थे, सभी लोग नाचते गाते थे, तो हमारा वो सीन में अभी भी याद है। तो गुरु महाराज का जो
डेडिकेट है इस्कॉन के प्रति, खुद के लिए भी कुछ भी नहीं, उन्होंने त्याग स्वीकार की है और उन्होंने पूरा जिंदगी उन्होंने अपने के लिए भी कुछ नहीं की, इस्कॉन के लिए की है। तो हम बड़ा भाग्यवान है अपने को कि गुरुदेव को मिला है और उनका आशीर्वाद हमको बहुत प्राप्त हुई है कि आप हम उसको अगर इसी हमारा दुर्लभ मनुष्य जीवन सार्थक हुई है कि हम कभी नहीं सोचा था कि इसी एक महान व्यक्तित्व के पास हम बहुत बार उनको दर्शन प्राप्त की है। और गुरुदेव कभी भी भक्त का हृदय से नहीं जाते, गुरुदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है और गुरुदेव के साथ गुरुदेव अपने शिष्य के साथ भी रहते हैं और गुरुदेव वो भी नहीं गए हैं और कभी नहीं जाएगा जब तक हम उनके उनके इंस्ट्रक्शन हम पालन करते रहेंगे तो सदा सर्वदा गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त रहेंगे। तो गुरुदेव के वचन के अनुसार आप लोग सब मुझे आशीर्वाद कीजिए, महाराज के भी आशीर्वाद प्रार्थना करूंगा कि हम लोग तो सभी ये महासमुद्र में है, संसार सागर में, सो एक शुद्ध भक्त का आशीर्वाद में कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होने का समान है। तो हम लोग इसको पकड़ करके रख पाएंगे तो अपने जीवन धन्य हो जाएंगे। तो काफी भक्त लोग बोलेंगे तो हम यहाँ रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण।